एक तरफ सरकार रोजगार के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है कि अंतिम पंक्ति के लोगों तक योजनाओं का लाभ मिल सके, परंतु इसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित सोनभद्र जिला, जो कि आदिवासी बाहुल्य अति पिछड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासी वनवासी आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इनके रोजगार के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया। इस क्षेत्र में देखा जाए तो इनका मुख्य व्यवसाय तेंदुपत्ता है, जो कि इस समय जोरों से हो रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में पत्ता तुड़ान इन दिनों मुख्य रोजगार के रूप में है। इस समय इन राज्यों के कुछ तबके के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए तेंदुपत्ता का व्यापक रूप से तुड़ाई करते हैं, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण होता है। इतनी कड़ी धूप में यह जंगलों में जाकर तेंदुपत्ता का तुड़ाई करते हैं, पर इनके मेहनत के मुताबिक इनको उनका मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे इन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष से छत्तीसगढ़ सरकार ने इनकी परेशानी को देखते हुए इनके कुछ मूल्य को बढ़ाकर 420 रुपए सैकड़ा बंडल रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश में 250 रुपए सैकड़ा बंडल तथा उत्तर प्रदेश में सबसे कम 125 रुपए सैकड़ा बंडल है। यहाँ के करीब आदिवासियों को मजबूरी में इतने कम मूल्य पर काम कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार को गुजारा नहीं चल पा रहा है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य के जिला में इन दिनों तेंदुपत्ती का तुड़ान जारी है। जिले के सभी जंगलों में इन दिनों तेंदुपत्ते की तुड़ाई कर ग्रामीणों के लिए एक रोजगार मिल रहा है, जो छत्तीसगढ़ के गांव सनावल, पचावल, त्रिशूली, यूपी के बॉर्डर क्षेत्र के गाँव कोरची, भीसूर, सुंदरी, गुगवामान सहित मध्य प्रदेश के बैडन जिले के गाँव सहित ग्रामीणों को पत्ती तुड़ाई करने का एक रोजगार तो मिलता है, पर उनके मूल्य काफी कम दे जाते हैं, जिससे उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बलरामपुर जिले के त्रिशूली गांव के निवासी राजकेश्वरी देवी ने कहा कि हम लोग 20 वर्षों से यह तेंदुपत्ता का तुड़ाई कर अपना जीवों का उपार्जन करते हैं, और हम लोग सुबह में ही जंगलों में निकल जाते हैं, जिसके बाद पत्ती तोड़कर अपने घर लाते हैं और 50 पत्तियों का एक बंडल बनाते हैं। इसी तरह 100 बंडल बनाने पर 420 रुपये मिलता है। यह आजकल नया रेट लागू किया गया है, जिसका पेमेंट खाते में आएगा। नाम है मेरा राजेंद्र, ग्राम त्रिशूली रहने वाला है, और ग्राम सनावल थाना बलरामपुर जिला, और उसके बाद हम लोग यह पत्ती पान तोड़ खा रहे हैं, पीते हैं महुआ फर पताई सब बेच खोज के, मतलब खाते पीते हैं, योगा करेंगे। क्या नाम है, ये कब से ये सब काम कर रहे हैं आप लोग? मेरा नाम शंखलाल श्यामदे है, ग्राम पचावल पोस्ट सनावल है, जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। ये हम लोग का काम मतलब बहुत साल से कर रहे हैं, मम्मी पापा लोग करते आ रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, और इस बार 400 रुपया रेट है, और हर काम करते हैं, गरीब आदमी हैं। 3 रुपया पसेरी चल रहा था, 3 रुपया पसेरी तौल पर चल रहा था पत्ता, यहाँ से कन्हर में जाते थे बेचने के लिए। अब कहाँ जाना पड़ता है बेचने? अब तो गांव में है, कंपनी गांव में ही, यहीं कंपनी द्वारा फड़ बैठेगा, फड़ मुंशी लोग लेंगे, 6 महीना बाद पैसा देगा। अभी तो वो कर दिया है बैंक सिस्टम, बैंक में खाते में डालता है, किसी को दिया किसी को दिया भी नहीं। क्या नाम है आपका, पत्ती वाला काम कब से कर रहे हैं? मेरा नाम रामजीत श्याम, ग्राम पचावल पोस्ट सनावल है, जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। हम लोग बाप दादे से तेंदुपत्ता का काम करते आ रहे हैं, जो कि आज हम लोग के 45 वर्ष उम्र हो गया। पहले तौल पर बिकता था, इसके बाद 25-30 रुपया सैकड़ा हुआ, अभी इस वर्ष 400 रुपया सैकड़ा हुआ है। अभी खाते में डालना कंपनी या सरकार चालू किए, किसी को पैसा मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, किसी को डाल रहा है बैंक में खाते में, किसी को नहीं डाल पा रहा है। पत्ती कहाँ से लाते हैं? पत्ती जंगल से लाते हैं, और मेरा बच्चे हैं 4, एक लड़की और 3 लड़का, जबकि हम लोग कमाने खाने में असमर्थ हैं, कोई साधन सुविधा उस टाइप से नहीं है, साल साल पूर्ति नहीं कमा पाते हैं,
कोई आमदनी नहीं है उस टाइप से साधन सुविधा, किसी तरह से कठिनाई से अपना साल का समय निकालते हैं, केवल खरीद के खाते हैं, यही हम लोग का धंधा है। हम लोग करीब 7 बजे सुबह जाते हैं जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने, पूरे ग्रामवासी, और उसी पत्ता को तोड़ के लाते हैं और बंडल बांध कर 50 पत्ती का गड्डी और उसको बेचकर वह जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उसी में पेट पर्दा चलाते हैं। क्या करते हैं? मेरी नाम राजकेसरी देवी है, ग्राम त्रिशूली छत्तीसगढ़ जिला बलराम के रहने वाला हूँ। मैं बनी मजूरी करती हूँ, 20 साल पहले से तेंदू पत्ता ये तोड़ते हूँ, जो भी काम मिलता है वो करते हैं। ये सुबह के निकलल अभी आए हैं पत्ता तोड़ के, जंगल से कुड़ेसवा से केड़िया से वहाँ से आए हैं, सुबह निकले हैं, अभी 10 बजे आए हैं, वहाँ से लाए हैं तो एक एक पत्ता तोड़े हैं। अभी वो अभी फड़ बैठेगा, मुंशी फड़ बैठाएंगे तो वहाँ बेचेंगे, 6 महीना बाद इसका पैसा मिलेगा। ये पत्ती आप लोग कैसे बनाते हैं? बीड़ी बनता है पत्ती का। कितने पत्तियों का बंडल बनता है? 50 पत्ती का बंडल बनता है, 400 रुपया सैकड़ इन साल हुआ है, पहले 30 था, 30 रुपया सैकड़ से लेके पर साल 250 रुपया सैकड़ तक था, इन साल बढ़ा है 420 रुपया। मेरा नाम असरफी गुप्ता है, मैं ग्राम त्रिशूली परामोह दामर का रहने वाला हूँ, ग्राम जिला बलरामपुर का रहने वाला हूँ, और मैं बनी जिला करता खाता हूँ। इसमें तेंदू पत्ता को तोड़ रहा हूँ, यही जंगलों में जाता हूँ, तेंदू पत्ता तोड़ता हूँ और दिन भर लाकर बांधता हूँ जंगलों से, तोड़ते तोड़ते हम लोग परेशान रहते हैं, कभी बनी मिलता है तो बनी करता हूँ, इसी से जीवन पालन हम लोग करते जा रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 20 साल से काम को करते जा रहे हैं, कभी 100 रुपये से कर, कभी 50 रुपये से कर, मजदूरी मिलता है, कब मिलता है कोई गारंटेज नहीं हम लोग का है। और क्या करते हैं इसके साथ? हम लोग बनी सिला सब करते हैं, किसी की मजदूरी करने चले जाता हूँ, किसी का काम जो अढ़ा दिया उसी काम हम लोग करते हैं, खाली अपना जीवन यापन करते जा रहा हूँ हम लोग किसी प्रकार से। पत्ती का काम कब से कर रहे हैं और इसमें कितना मिल जाता है एक सीजन में? मैं 20 साल से पत्ती काम कर रहा हूँ, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 1,000 ऐसी तोड़ते हैं पत्ती हम लोग, 4-5 दिन पत्ती तोड़ेगा हम लोग क्या उसमें जीवन यापन कर पाएंगे, 4-5 दिन से टूटबे नहीं करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता हम लोग के, खाली बाकी समय में बनी इसलिए हम लोग करते खाते रहते हैं। क्या नाम है आपका? कब से ये पत्ती का काम करती हैं? सीजन आया है तो तोड़ रहे हैं पत्ती, महुआ आ गया, महुआ बिनेंगे, कोई धंधा आ गया माटी चुटी के, माटी चुटी करेंगे, इसी में बाल बच्चा अपना पोसते हैं करते हैं। और ये पत्ती का काम कब से करती हैं? सीजन आता है तब सब तोड़ते हैं। कब इसका सीजन आता है? जेठी। आपका नाम? कलावती।